हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में आपको कम्प्लीटली मेरे मिनोक्सिडिल रीस्टार्ट किए हुए 14 मंथ के कम्प्लीटली रिजल्ट शो करने वाला हूँ, चैटिंग बताने वाला हूँ और क्या मेरा रूटीन चल रहा है वो चीज़ कम्प्लीट शेयर करने वाला हूँ। अब देखो काफ़ी टाइम भी हो गया, ठीक है, और रिजल्ट्स वगैरह ठीक है, प्रॉपर मिल गया अभी, और हेयर लॉस वगैरह भी थोड़ा बहुत हो रहा है, तो वो चीज़ कम्प्लीटली बता देता हूँ। बाकी ये वीडियो लोगों ने बोल रहा था कि कंप्लीट चालू रखो ये सब सीरीज जो चल रही है, तो कंप्लीट बता देता हूँ। बट उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके, तो सबसे पहले अगर शेडिंग की बात करें, ये चीज़ सबसे मेन है कि अभी शेडिंग चल रही है मेरी और पता नहीं क्यों शेडिंग हो रही है, ठीक है, और हेयर्स भी अगेन से आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा ही हेयर्स आ रहे हैं और हेयर्स का है ना जो टेक्सचर या मोटापन काफ़ी ज़्यादा हो गया हेयर्स का, और बोला जाए जैसे कि मतलब अंदर बहुत सारे बाल नए भी आते हुए चुभ भी रहे हैं बाल, मतलब ऐसा है हाथ लगाने पे पता लग रहा है कि काफ़ी सारे नए बाल भी आ रहे हैं, यानी कि जो हेयर शेड हुए हैं वो भी अगेन से ग्रो कर रहे हैं, वो चीज़ भी देखने को मिल रही है। बट शेडिंग चल रही है, 10 से 15, 20, 30 तो नहीं 20, 15, 25 के आसपास बाल गिर जाते हैं दिन में, अगर मैं हैंड वगैरह मारता हूँ उठकर तो काफ़ी निकल जाते हैं, 30 के आसपास भी मान लो इतने बाल निकल जाते हैं। यह चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी शायद बोली थी कि निकलना स्टार्ट हो रहे हैं या निकल रहे हैं, वो चीज़ बताई थी, अब मुझे याद नहीं प्रॉपर, बट अभी ये चीज़ मुझे देखने को मिल रही है। शैम्पू के टाइम भी गिरते हैं और जैसे उठकर जैसे कंघी वगैरह कर ली या हाथ वगैरह मारा तो साइडों में यहाँ पे कभी कभी बाल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इनर मेरा एक वाइट कलर का है तो वो कई बार पहन लेता हूँ तो यहाँ पे पता लगता है कि हाँ यार बाल वगैरह निकले हैं, ये चीज़ देखने को मिल रही है। बट रीग्रो वगैरह चल रहा है, वो चीज़ सही चल रही है, कोई दिक्कत विक्कत देखने को नहीं मिल रही। अब जैसे कि फिनिश राइड मैंने स्टार्ट की थी, फिनिश राइड मैंने बंद कर दी, वही मैंने आपको बोला सेम प्रॉब्लम अगेन से देखने को मिल जाती है और छोड़ते ही वापस वो चीज़ें सही हो जाती है, तो वो चीज़ें अब मुझे ऐसा होता है कि मेरी एज कम है बार बार क्यों देखने को मिल रही है और फिर मैं छोड़ देता हूँ उसको, ये चीज़ जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ। हाँ, उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और अभी ऐसा भी नहीं कि मुझे लग रहा है कि इतनी नीड रहेगी उसकी, बिकॉज हेयर्स वगैरह काफ़ी सही पड़े हैं अभी, उससे ओनली रिजल्ट्स मुझे देखने को मिल गए, तो टॉपिकल वगैरह ही यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, फिनिश राइड वाला जो कि ट्राया का चल रहा था, ये चीज़ कंप्लीट चल रही है। और हेयर्स की डेंसिटी अगर मैं आपको दिखाऊँ, रूटीन कंप्लीट बताऊँगा, सबसे पहले डेंसिटी दिखाते हैं। तो इस साइड से अगर आप देखो कैसे हेयर्स देखने को मिल रहे हैं, लॉन्ग कर रहा हूँ अभी मैं अपने हेयर्स को और यहाँ से देख सकते हो, मुझे पता नहीं कैमरा फोकस में ले रहा है या नहीं, तो इस तरह से कुछ हेयर्स हैं मेरे और अगर मैं इनको खिंडा कर दिखाऊँ तो ये, तो अभी थोड़े सेट वगैरह इसलिए नहीं रहते, लॉन्ग कर रहा हूँ और बड़े हो चुके हैं काफ़ी, साइड्स भी इसीलिए फेड नहीं करवाए, कुछ इस तरह से मेरे हेयर्स लग रहे हैं। बैक से अगर मैं दिखाऊँ, हाँ बैक हैवी है काफ़ी, उसी तरह पहले जैसे हैवी रहती थी, तो यही मतलब रिजल्ट्स वगैरह अगर मैं क्लोजली आपको शो करूं, ये देख लो तो कंप्लीट सही है, हेयर्स वगैरह तो ओके पड़े हैं, कोई दिक्कत विक्कत नहीं है, बस ठीक है, ग्रो करे जा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं। रेगुलर यूज़ कर रहा हूं मैं 1 ml मिनोक्सिडिल को, यही रूटीन चल रहा है मेरा। अब देखो यार, बहुत सी मैं टैबलेट्स लेता था, जिम जाते हुए भी लेता था, ठीक है, सब बंद कर दी, मेरे पास कंपनीज ने भी भेजा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जितनी ज़्यादा लूँगा कुछ ना कुछ इंटरनल साइड इफ़ेक्ट भी करेंगी, तो इसलिए अभी सारी चीज़ें मैंने बंद करके अब क्या चालू किया, मैंने आंवला चालू कर दिया, मुरब्बा वगैरह खाना, ठीक है, ये चीज़ें मैं पहले नहीं खाता था, आंवला चालू किया। अब मैं सीड्स भी मंगाने वाला हूँ, जैसे पम्पकिन सीड्स वगैरह ये सब चीज़ें होगी, ये खा लिए, खजूर वगैरह होगी, ये सब चीज़ें ना, मैं वॉलनट्स वगैरह इन सब चीज़ों पे जाने वाला हूँ अब, मतलब नेचुरली इन पे आ गया हूँ मैं कि मुझे अब नेचुरल देना, जो भी फ्रूट्स वगैरह होगी ये सब चीज़ें खानी है, तो ये सब चीज़ें चल रही है अभी, ना कि मैं मेडिसिन की तरफ जा रहा हूँ, तो उतना खर्चा ही मेरा मेडिसिन में भी हो जाता था और यहाँ पे मैंने सोचा यार खा कर पेट भर कर ही कुछ चीज़ें ले लेते हैं तो वो चीज़ भी ज़्यादा बेटर रहेंगी, तो इसलिए वो चीज़ें अभी मैं कर रहा हूँ। और ये भी है कि यार आप खाने से लोगे तो आपकी स्किन पर भी अलग ग्लो आएगा, आपके हेयर्स का टेक्स्चर भी अच्छा होगा, जो चीज़ मुझे देखने को मिल रही है। और आंवला वगैरह तो आपके हेयर्स के लिए अच्छा, ब्लैक भी बनाता है, ग्रो करने में भी हेल्प करता है, हेयर लॉस को भी रोकता है, तो ये चीज़ें ऐड की जा सकती है, ये मैंने पर्सनली बता दिया, ठीक है। अब शैम्पू वगैरह की बात करें, शैम्पू मैंने वो डेंसिटा का चल रहा है, ठीक है, एवरीडे शैम्पू, कंफ्यूज हो गया था, सीवामेड का भी पड़ा है बट उसको यूज़ नहीं कर रहा, सीवामेड का एंटी डैंड्रफ शैम्पू पड़ा है, वो बहुत रेयर ही यूज़ करता हूँ, रेयर यानी महीने में एक बार अगर डैंड्रफ लगे तो, नहीं तो वो भी। अब शैम्पू मैं कई बार अल्टरनेट डेज में यूज़ करता हूँ, कई बार एक दिन भी नहीं छोड़ता, रेगुलर यूज़ कर लेता हूँ, ये चीज़ चल रही है। और क्या चीज़ रहेगी, बस यही था, बस मतलब मिनोक्सिडिल सिर्फ लगा ली 1 ml,
और बाकी खाने पीने पे अच्छा ध्यान दे रखा है, ठीक है। प्रोटीन वगैरह कभी ले लिया जिम वगैरह जा रहा हूँ तो क्रिएटिन चलता रहता है जिम की भी, अभी मतलब वीक में 3 बार चला जाता हूँ, 3 बार ब्रेक्स हो जाती हैं, ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये ही कम्प्लीटली रूटीन चल रहा है मेरा। अब जिम जाना इसलिए ज़रूरी है, बैठे बैठे एडिटिंग वगैरह करता रहता हूँ या ये सब रहता है, तो उस चक्कर में कई बार बैक पेन वगैरह वो चीज़ें भी हो जाती हैं। तो इसलिए है कि यार कंटिन्यू चलने दो जिम वगैरह भी। और अभी जैसे कि कोई भी मैं मेडिसिन की तरफ नहीं गया, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ही मैं दिन में भी कभी ले लेता था, कभी क्या शाम को चल रही है, ट्रायल वालों ने भेज रखी है, एक दो कंपनीज और भेज रखी है, मैं खाए जा रहा, मेरे को हो रहा है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, कि घर वाले बोले तो पागल हो रहा है, करता क्या है। तो वो चीज़ें मैंने बंद कर दी यार, मुझे था कहीं ना कहीं तो साइड इफेक्ट देती हैं। अब फिनिश डाइट का भी ये बोला जाता है कि आप जब तक खाओगे तो आपको एक बार लगता है साइड इफेक्ट वगैरह, बट आप जैसे ही छोड़ते हो रिवर्सिबल रहता है। तो वो चीज़ मुझे हर बार देखने को मिली है, पिछली एक बार वीडियो की थी उसमें भी बताया था, और अभी तो मैं जैसे कि हाफ टैबलेट करके ले रहा था तो भी मुझे हुआ थोड़ा, तो मैंने छोड़ दिया उसको। अब पड़ी है, फिर मैं मेरे दिमाग में आएगा फिर मैं ले लूँगा, जैसे कि हाफ टैबलेट करके वीक में 2 या 3 बार खा ली ऐसा रहेगा, वो चीज़ भी कर सकता हूँ। तो वो मेरे ऊपर है, मैं कुछ भी मतलब मन में आता है वो कर लेता हूँ। ये वीडियोज़ आपने बोला इसलिए मैं कर देता हूँ, नहीं तो अब मैं ठीक है जो चलता है मेरे, मैं चलाता रहता हूँ कि हाँ ये चीज़ें खा ली, वो कर लिया, ये कर लिया, ये सब चीज़ें चल रही है। मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा, डाइट अच्छी कर दो, ज़्यादा सही है, ठीक है। वो डाइट वाला भी सप्लीमेंट से एक बार पूरा कर लो जो भी आपको रहती है कमी वगैरह ये है, बट डाइट अच्छी कर दो। जैसे आंवला हो गया या बहुत सी चीज़ें आती हैं यार खाने को, चालू कर दो। बीट रूट्स वगैरह हो गया, यानी कि चुकंदर, अनार, फ्रूट खाओ कोई भी एक बदल बदल के, तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए सही रहेंगी। तो यही चीज़ मैं खुद को भी बोलता हूँ कि भाई तू ढंग की चीज़ें खा ले, वो चीज़ें तेरे लिए सही रहेंगी, तभी तेरे हेयर सही रहेंगे। जो कि पहले मैंने नहीं खाया, बिकॉज मैं घर वालों से बोलने में थोड़ा होता है मेरे को यार कि पर्सनल अर्निंग करो तो लो कोई भी चीज़ लेकर खाओ, तो वो चीज़ रहती है। इसीलिए मैं पहले भूख मारता था अपनी, ठीक है, वो चीज़ें नहीं खाता था, फिर मुझे होता था एक गोली के थ्रू अपन पूरा कर ही लेते हैं, तो वो चीज़ें चल रही हैं। तो ये चीज़ें मैं सोचता था, हो सकता है बहुत से लोग सोचें भी ऐसी चीज़ें और बहुत से लोग ना भी सोचते, तो वो सबका अपना अपना है। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में, कम्प्लीटली शेडिंग बता दी, रूटीन बता दिया मैंने आपको, मतलब जो चीज़ें चल रही हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह, शैम्पू चल रहा है एक, ठीक है, और एक मिनोक्सिडिल चल रही है, सिंपल सा यही फंडा चल रहा है। बस आज के वीडियो में इतना था, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपको डर्मा रोलर या डर्मा स्टैम्प का जानना होगा, वो अभी इस मंथ मैंने मतलब एक बार ही यूज़ किया, ठीक है, एक या शायद 2 बार ही यूज़ किया, ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो इतना उसको भी यूज़ किया था मैंने, उसको यूज़ करने के बाद मिनोक्सिडिल को अप्लाई किया था, और मिनोक्सिडिल को इस मंथ एक बार गैप भी दिया था मैंने, बिकॉज मुझे हो रहा था शेडिंग चल रही है तो गैप दे के देखूँ। जिस दिन मैंने गैप दिया उस दिन इतना हेयर लॉस देखने को नहीं मिला था। तो ये चीज़ थी, मैंने पर्सनली ट्राई करके भी देखी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।